क्या आप भी वोकोंग से परेशान हैं? क्या आपका भी वोकोंग हार्ड क्लास स्काउट गेम में या रैंक गेम में आके पूरे के पूरे आपके स्काउट को मार देता है? अगर ये बात सच है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसी सिंपल और गाइस बहुत ज़्यादा ईजी टिप्स देने वाला हूँ कि आप कैसे वोकोंग को मार सकते हो, कैसे उसको ईजिली किल कर सकते हो क्लास स्काउट रैंक में और दूसरी रैंक गेम में भी, ठीक है? क्योंकि न्यू सीजन आने वाला है तो मैं आपको सारी की सारी टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे वोकोंग को मार सकते हो। गाइस तीन ईजी टिप्स देने वाला हूँ। और गाइस जो नंबर सेकेंडरी टिप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और मुझे तो सबसे ज़्यादा यूजफुल वही लगी। तीनों की तीनों यूजफुल हैं, बट जो नंबर सेकेंड वाले ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैं 5 तक गिनूंगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा अभी के अभी, ठोक देगा सब्सक्राइब बटन को, जैसे ठोको ताली होती है ना वैसे मारेगा, मुक्का मारेगा, कुछ भी मारेगा। तो चलो गाइस 1, 2, 3, 4 और 5 गाइस मार दो, एक मुक्का मारो सब्सक्राइब बटन। गाइस वीडियो को पे 5000 लाइक जरूर से करवा देना यार, 1 like is equal to 1 love, ठीक है? तो जरूर से लाइक करवा देना यार। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप शॉटगन से वोकोंग को बिल्कुल भी कभी भी नहीं मार पाओगे, मतलब 10 में से मतलब एक दफ़ा मार पाओगे। वो क्यों शॉटगन से नहीं मार पाओगे? तो देखो यार, शॉटगन जो होती है वो गोलियां कंटिन्यूसली फायर नहीं करती, मतलब एक गोली लेने के बाद दूसरी गोली मारने में उसको बहुत टाइम लगता है और वोकोंग उतनी देर में हमें मार भी देता है, क्योंकि वोकोंग एक जगह पर थोड़ी रहता है, ठीक है? और इसके लिए हमें यूज़ करना है यार MP5 या फिर MP40 वोकोंग को मारने के लिए। वो क्यों यूज़ करनी है? तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो कि यार जब हम MP5 से फायर करते हैं, MP40 से फायर करते हैं ना, तो गाइस देखो वोकोंग चाहे हिल भी रहा हो बट हम अपनी कंटिन्यूसली फायर कर सकते हैं। हम भी अपनी फायर की लोकेशन को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं, सेकंड बाय सेकंड चेंज कर सकते हैं। तो ये पहली टिप थी कि जब भी अगर यार आप वोकोंग से बार बार मर रहे हो तो यार हमेशा आप फिर ऐसे की गन ले लो, MP40 पकड़ लो या फिर MP5 पकड़ लो वोकोंग को मारने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टिप है गाइस, जिसको ज़रूर से आपको फॉलो करना, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गाइस टिप नंबर 2 जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इन जो वोकोंग प्लेयर्स होते हैं ना, इनको अपनी लोकेशन ना पता चलने दो, मतलब छुप के यहाँ पे साइड पे बैठो, मतलब देखो तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं। और घरों में मतलब जहाँ पे छोटा एरिया हो वहाँ पे इनको घेरो, जैसे देखो वोकोंग आ रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने इसको मारा और यहाँ पे देखो मूवमेंट दिख रहा है, खत्म। आप लोग भी ऐसी वोकोंग को मार सकते हो, सिंपल आप लोग भी समझे नहीं होगा। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि यार देखो जो वोकोंग प्लेयर होता है ना, उसको अपनी लोकेशन रिवील ना करवाओ, ठीक है? उसको बता दो, उसको पता चल जाए कि तुम हो यहाँ पे, ठीक है? बट वो कंफ्यूज होकर तुम इस कमरे में उस कमरे में कहाँ पे हो, और वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा वोकोंग बन के, और जैसे ही आएगा तुम्हें उस पर MP40 MP5 की पूरी स्प्रे कर देना है और उसकी बुश फाड़ के फिर उसको जैसे मर्जी मार दो, फिर तो आगे तुम इजीली मार सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो घबरा जाता है। तो ये अपनी सेकंड टिप थी। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको थोड़ा फनी ले रहे होंगे बट गाइस ये मैं मानो या ना मानो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बस तुमको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा समझना है इसको बस। गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं यार, ये D60 गेमिंग का चैनल है यार, इनको जाओ सब्सक्राइब करो। इनका कमेंट मैंने पिन किया हुआ कमेंट में यार, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा इनके चैनल का लिंक, जाके सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। और तुम लोग बोलोगे यार तो क्या रोज़ रोज़ बताता है हमको किसी चैनल का सब्सक्राइब करना, यार देखो बस आखिरी दफा बता रहा हूँ, आज के दिन बस कर देना, ठीक है? कल से नहीं बोलूँगा, कल बोला तो पक्का मुझे मारना, तुम आगे घर आके मारना, सही है? गाइस फाइनल टिप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि यार ये जो वोकोंग प्लेयर होते हैं ना, ये हमेशा शॉटगन लेके घूमते हैं, ये मुंह पे आके मारते हैं, ठीक है? अब देखो यही यहाँ पे मैंने भी यही गलती की, देखो ये शॉटगन लेके आया था, साथ ही वोकोंग से इंसान बना, बंदर बना और मार दिया। तो हमेशा वोकोंग प्लेयर जब भी वो अपनी जारी बुश बन के आपके पास आ रहा है तो समझ लो भाई इसके पास शॉटगन है, और ये जैसे ही तुम्हारे मुँह पर आएगा दो गोलियाँ मारेगा और काम ख़त्म करेगा। तो इसमें तुमको क्या टिप मिलती है कि वोकोंग की जो बुश है ना भाई, जहाँ भी देखो ना तो वहाँ पे ये म्यूजिक बजाओ अल और भाग जाओ वहाँ से, सही है? अगर तुम अल करके नहीं ना भागे तो वो पास आएगा और तुम्हें दो गोलियाँ मारेगा और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये फाइनल टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग समझ लोगे भाई जैन तो अल क्या बोल रहा है गाइस। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही। तो गाइस जो भी बंदे चैनल पहली बार आ रहे हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि यार हमें जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को ग्रो करना है। और यार मैं और मेहनत करूंगा और अच्छी टिप्स लाऊंगा आपके लिए, अगर जिसको नहीं पसंद है मैं उसके लिए भी और अच्छी वीडियोस लाऊंगा ताकि उसको भी पसंद आए, ठीक है? होता है यार काफ़ी बंदों को नहीं पसंद होती, काफ़ी बंदों को आती है यार, तो मैंने अपनी 100% दिया, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।